हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ स्पेशल वेव फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैसे हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, वो भी आसान तरीके से। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास कोई गॉसियन वेव फंक्शन है, साई इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर। ये मेरा कोई गॉसियन वेव फंक्शन है और इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बेसिक वाले तरीके से अगर करेंगे तो हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, तो इस टाइम को बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले का यूज करेंगे। जो इस फॉर्मेट में अगर हमारा कोई भी फंक्शन है, वेव फंक्शन है, तो उसका जो नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट का फार्मूला होगा ए इज इक्वल टू टू इंटू कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई के पावर 1/4। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। तो फार्मूला का यूज करके यहाँ पे हम ए निकालेंगे, तो ए इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, टू इंटू कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशियंट एक्स स्क्वायर हमारा कितना है, माइनस ए, लेकिन हमको माइनस ए नहीं लेना है, हमको क्या लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई पाई के पावर 1/4। तो हमारा आ जाएगा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट 2a बाई पाई के पावर 1/4। तो इतना आसान तरीके से हम लोग यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैलकुलेट कर लिए। सपोज हम लोग का कोई दूसरा वेव फंक्शन है, साई इज इक्वल टू ए ई के पावर माइनस अल्फा मॉड एक्स। ठीक है, अब इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हमको फाइंड आउट करना है ए, तो यहाँ पे आ जाएगा ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कोफिशियंट ऑफ मॉड एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड एक्स का कोफिशियंट कितना है, माइनस अल्फा, लेकिन हम लोग केवल क्या लिखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे अल्फा। तो नॉर्मलाइजेशन के कांस्टेंट क्या आ जाएगा हम लोग का, ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट अल्फा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालेंगे। तो ये याद रखना है आप लोग को, ये गॉसियन वेव फंक्शन हमारा है, गॉसियन वेव फंक्शन होगा तो उसके लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, और इस तरीके का फंक्शन होगा तो उसके लिए फार्मूला हम लोग ये यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन लेते हैं, ये हम लोग का क्या है, क्वेश्चन है, और इसमें वेव फंक्शन दिया है साई इज इक्वल टू ए ई के पावर माइनस 3β² बाई अल्फा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या है, वेव फंक्शन है, इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए निकालना है। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये किस फॉर्मेट में हम लोग का, गॉसियन वेव फंक्शन में, तो आ जाएगा हम लोग का 2 इंटू कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 3β² बाई अल्फा डिवाइडेड बाई पाई के पावर 1/4। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 6β² बाई पाई अल्फा के पावर 1/4। तो ये हम लोग एक आसान तरीके से यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए, और इसको अगर हम लोग बेसिक वाले तरीके से अगर इसको इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर ये फार्मूला हमको याद है तो हम बड़ा ही आसानी से नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसके बाद हम वीडियो लेकर आएंगे CSIR नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, उसके सलूशन को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैनल पे। तो चलिए चलते हैं, जय हिंद जय भारत।